बाहर के देशों में छोटे बच्चों का एक्सरे कुछ इस तरह से किया जाता है। एक्सरे करने के टाइम बच्चों को एक ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, जिसे पिगो स्टैट कहा जाता है। दरअसल जब बच्चों का एक्सरे किया जाता है तब ये सही से नहीं करवाते हैं, इसलिए बच्चों को स्टेबल रखने के लिए ग्लास ट्यूब यानी पिगो स्टैट में डाल देते हैं। इसके बाद इन्हें एक्सरे मशीन के सामने रख देते हैं। इससे होता यह है कि बच्चे अपने हाथ पैर को हिला नहीं पाते हैं और बच्चों का एक्सरे इजली कर लिया जाता है। आखिर पॉपकॉर्न इस तरह क्यों फट जाता है? दरअसल मक्का के दाने के अंदर थोड़ा सा पानी होता है। जब दाने को गर्म किया जाता है तो अंदर का पानी जलकर भाप में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में मौजूद स्टार्च टेम्परेचर बढ़ाने से जेल जैसा बन जाता है। ये भाप इसके अंदर ज्यादा प्रेशर डालती है, जिससे ये भाप बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश करती है और यही कोशिश इसे फटने पर मजबूर कर देती है। और जैसे ही स्टार्च हवा के कांटेक्ट में आता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है। ये है जापान का शिशिमोना वुड टेक्निक, जिसमें लकड़ी को बिना कील या पेंच की हेल्प से ऐसे सांचे बनाकर एक दूसरे में फिट किया जाता है। जापान का ये वुड टेक्निक 2000 साल पुरानी है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर फर्नीचर बनाने में किया जाता है। लेकिन ये देखने में जितना आसान लगता है, इन्हें बनाना उतना ही मुश्किल काम है, क्योंकि गलती से भी अगर लकड़ी को ज्यादा घिस दिया जाए तो ज्वाइंट फिट नहीं आएंगे और सारा काम बिगड़ जाएगा। ये है खून पीने वाला जानवर, जिसको हम सब बैट यानी कि चमगादड़ के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बात किस हद तक सच है कि ये खून पीते हैं, आइए देखते हैं। इनके टोटल 1400 स्पीशीज है, जिसकी वजह से इनका ग्रुप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैमल ग्रुप है। लेकिन आपको बता दूं कि बैट्स की पूरी 1400 स्पीशीज में से 3 के अलावा कोई भी खून नहीं पीती है, जबकि बाकी की सारी स्पीशीज फ्रूट्स, इंसेक्ट्स और फ्लावर नेक्टर पर ही जीती हैं। और फ्लावर नेक्टर लेने के दरमियान चमगादड़ उन पर से पॉलन उठाकर दूसरे पॉलन पर डाल देते हैं, जिससे क्रॉप्स को फर्टिलाइज होने और ग्रोथ होने में बहुत मदद मिलती है। यानी आसान लफ्जों में कहें तो चमगादड़ का हमारे फसलों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हाथ है। यही वजह है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ने बैट्स को टॉप 5 ग्रेट पॉलिनेटर्स में शामिल किया है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि चमगादड़ अपना पूरा दिन पेड़ों पर उल्टा लटकते हुए सोकर गुजारते हैं और रात के वक्त ये उड़ते हुए इको लोकेशन का बहुत अच्छे से यूज करते हैं, जिसमें ये अपनी बॉडी से एक तरह साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ये साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आता है तो इन्हें अपने आसपास का पता चल जाता है। ये है जापान का केजुरोकाई कॉम्पिटिशन, जिसमें लोग लकड़ी की पतली से पतली लेयर निकालते हैं। ये लेयर इतनी ज्यादा पतली होती है कि इसे माइक्रोन में मेजर किया जाता है। चलिए इसे और बेहतर समझते हैं। जैसे कि हमारे बाल की थिकनेस 80 माइक्रोन होती है, लेकिन लकड़ी की छाल की मोटाई सिर्फ 20 माइक्रोन होती है। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे पतला छाल 2 माइक्रोन का था, जो कि एक ब्लड सेल से 4 गुना ज्यादा कम है। और जो इंसान जितनी पतली छाल बिना टूटे निकाल लेता है वो जीत जाता है।